नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा धरधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के श्रम मंत्रियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अमृतकाल के हमारे सपने को पूरा करने में भारत की श्रम शक्ति अहम भूमिका निभाएगी। देश संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों श्रमिक साथियों के लिए निरंतर काम कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता अवध बिहारी चौधरी को शुक्रवार को सर्वसम्मति से विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, राजद विधायक भाई वीरेंद्र समेत अन्य नेता मौजूद थे। देश में बीते 24 घंटे में 10,256 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 13,528 लोग इस संक्रमण से ठीक हो गए। देश में अब कुल सक्रिय केस 90,707 रह गए हैं। बता दें कि देश में अब तक कुल 4,43,89,176 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 68 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,27,556 हो गई है। नए स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के आसन पर बैठने के साथ ही नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा की समितियों की रिपोर्ट सदन में करने की मांग की, जिनमें भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर जानकारी दी गई है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार जानबूझकर समितियों की रिपोर्ट दबा रही है। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से लेकर सभी पदों से इस्तीफा देते हुए कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को 5 पन्नों का इस्तीफा भेजा है और कहा, बड़े अफसोस और बेहद भावुक दिल के साथ मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपनी आधा सदी पुराना नाता तोड़ने का फैसला किया है। भारत जोड़ो यात्रा की जगह कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में लालू प्रसाद यादव के करीबी आरजेडी नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती है। सीबीआई इन नेताओं को दिल्ली स्थित मुख्यालय में बुलाकर पूछताछ कर सकती है। इनमें 2 राज्यसभा सांसद, 1 एमएलसी समेत अन्य नेता शामिल है। इस केस में लालू के पूर्व ओएसडी भोला यादव पिछले महीने गिरफ्तार हो चुके हैं। सोनाली फोगाट के शव के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद गोपाल कांडा का नाम बार बार सामने आ रहा है, जिस पर सोनाली के भाई रिंकू ढाका ने कहा कि इस मामले में गोपाल कांडा की भूमिका जैसी कोई बात नहीं है। बता दें कि हरियाणा बीजेपी की नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की 23 अगस्त की सुबह संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। विधानसभा अध्यक्ष के बाद नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आए विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय में बड़ा घोटाला हुआ है। सरकार जानबूझकर विधानसभा की विशेष कमेटी के रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करना चाह रही है। उनके द्वारा विधानसभा की कार्यसूची में इन दिनों प्रतिवेदन को शामिल करने के बावजूद सरकार ने उसे इन वक्त पर बदलाव दिया है। पूर्वोत्तर भारत में विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया जा रहा है। इसकी ऊंचाई 141 मीटर होगी, जो कि कुतुब मीनार से लगभग दोगुनी है। 110 किलोमीटर लंबी जीरबम इम्फाल रेल लाइन परियोजना के तहत नोनी जिले में इसका निर्माण किया जा रहा है। यह परियोजना दिसंबर 2023 में पूरी हो जाएगी। इस पुल की लंबाई 703 मीटर है। वहीं इस परियोजना में 46 टनल बनेंगे। दिल्ली विधानसभा का एक दिवसीय सत्र में भाजपा विधायक ने दिल्ली विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और आवाकरी नीति 2021-22 के विवाद को लेकर कैबिनेट से हटाने की मांग करते हुए नारेबाजी की। इस पर मनीष सिसोदिया ने कहा, 1,000 और छापेमारी करो, लेकिन तुम मुझ पर कुछ नहीं कर पाओगे। उत्तर प्रदेश में झांसी पुलिस के डॉग स्क्वाड के एक मास से सलार रानी समूचे झांसी मंडल की अकेली खोजी स्वान है, जिसमें बीते 8 सालों में लगभग 250 आपराधिक मामलों के खुलासे में अपनी खोजी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। रानी झांसी पुलिस के साथ 2013 से कार्यरत है। बता दें कि रानी को अपराध और अपराधियों की पहचान करने का हुनर सिखाने के लिए 9 माह का प्रशिक्षण दिया गया है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन भारतीय तटरक्षक द्वारा नाविक और यांत्रिक के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें कुल 300 पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवार का चयन किया जाना है। आवेदन की प्रक्रिया 8 सितंबर से शुरू होगी और उम्मीदवार 22 सितंबर 2022 की शाम 5:30 बजे तक अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे। क्रिकेटर इरफान पठान द्वारा विस्तारा एयरलाइन पर लगाए गए आरोपों पर कंपनी ने सफाई दी है। एयरलाइन ने कहा कि उन्होंने घटना पर ध्यान दिया है और आवश्यकता अनुसार सभी सुधारात्मक उपाय करेंगे। बता दें कि क्रिकेटर ने आरोप लगाया था कि मुंबई से दुबई जाने के दौरान उन्हें और उनके परिवार को विस्तारा के चेक इन काउंटर पर करीब 1.5 घंटे तक खड़ा रहना पड़ा था। देश में 5G सर्विस शुरू करने को लेकर केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इशारा दे दिया है। उन्होंने गुरुवार 25 अगस्त को कहा कि 5G सर्विस को भारत में 12 अक्टूबर तक लॉन्च किया जाएगा। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उम्मीद जताते हुए कहा कि अगले 2 से 3 सालों में 5G नेटवर्क सर्विस को पूरे देश में पहुँचा दिया जाएगा।
वीवो प्रो कबड्डी लीग सीजन 9 की शुरुआत 7 अक्टूबर 2022 से होगी और दिसंबर के मध्य तक चलेगी। इस लीग के आयोजक मसाले स्पोर्ट्स ने ये जानकारी दी है। उन्होंने यह भी बताया कि इस बार टूर्नामेंट का लीग चरण बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद में होगा। वीवो प्रो कबड्डी लीग सीजन 9 के लिए और विवरण व शेड्यूल आने में हफ्तों में साझा किया जाएगा। इग्नू ने जुलाई सेशन में फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आगे बढ़ा दी है। अब स्टूडेंट्स 9 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में जो भी कैंडिडेट्स इस सेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट ignu.ac.in पर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इसके पहले फ्रेश रजिस्ट्रेशन और री रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 25 अगस्त 2022 तक थी। गूगल ने इस साल जनवरी से अब तक इंडिया प्ले स्टोर से शर्तों का उल्लंघन करने, जानकारी को गलत तरीके से पेश करने और संदिग्ध ऑफलाइन व्यवहार के लिए 2000 से अधिक रीना ऐप हटा दिए हैं। गूगल एपीएसी के वरिष्ठ निदेशक और ट्रस्ट और सुरक्षा प्रमुख सकायत मित्रा ने कहा है कि कंपनी अपने सभी अधिकार क्षेत्र में नियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में भारतीय स्टार सटलर जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साई राजा रंकी रेड्डी की जोड़ी ने सेमीफाइनल में जगह बनाते हुए भारत का डबल कैटेगरी में एक मेडल पक्का कर दिया है। यह वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के इतिहास में मिक्स डबल्स कैटेगरी में भारत का पहला मेडल होगा। इस पर वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 जापान की राजधानी टोक्यो में ही खेली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को आज पहली बार सीधा प्रसारण हुआ। बता दें कि प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन के कार्यकाल का आज अंतिम दिन है। इस मौके पर सुनवाई कर रही उनकी पीठ की कार्रवाई का सीधा प्रसारण किया गया। विदाई कार्यक्रम में कई जजों और वकीलों ने उनके प्रति सम्मान व भावपूर्ण शब्दों में अपनी बात कही। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में मंकी पॉक्स के नए मामलों की संख्या में कमी देखने को मिली है। दुनिया भर में सप्ताह के दौरान 5,907 मामले सामने आए, जबकि एक सप्ताह पहले यह आंकड़ा 7,447 था। वर्ष की शुरुआत से अब तक 96 देशों से WHO को कुल 41,600 संक्रमण और 12 मौतें हुई है। वर्तमान में अमेरिका में सबसे अधिक 15,887 मामले हैं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में इत्र का बहुत बड़ा कारोबार होता है। बता दें कि कन्नौज इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। यूपी सरकार ने कन्नौज को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। राज्य सरकार दिसंबर माह में जिले में अंतर्राष्ट्रीय इत्र मेला आयोजित करेगी। इसका उद्देश्य 250 करोड़ रुपए के इत्र व्यवसाय को 25,000 करोड़ रुपए तक ले जाना है। जम्मू कश्मीर के कटरा से 62 किलोमीटर दूर आज यानी शुक्रवार को तड़के करीब 3:28 बजे 3.4 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप की गहराई जमीन से 5 किलोमीटर नीचे थी। इससे पहले बुधवार को देर रात यहां पर 2 भूकंप के झटके महसूस किए गए। पहली बार 11:04 पर, वहीं दूसरी बार यह 11:52 पर महसूस हुए। पहले भूकंप में तीव्रता 3.2 मापी गई, वहीं दूसरे झटके में यह तीव्रता 4.1 मापी गई। मलेशिया के बाद कोलंबिया ने भारतीय युद्धक विमान तेजस में दिलचस्पी दिखाई है। बता दें कि विश्व का सुपर पावर माना जाने वाला अमेरिका ने भी भारत से तेजस खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। तेजस विमान केवल 460 मीटर के रनवे पर दौड़कर उड़ने की क्षमता रखता है। यह 52,000 फीट की ऊंचाई तक ध्वनि की गति यानी Mach 1.6 से लेकर 1.8 तक की तेजी से उड़ सकते हैं। जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी आतंकवादी की घुसपैठ की कोशिश का एक वीडियो भारतीय सेना द्वारा जारी किया गया है। सेना के अधिकारियों के अनुसार 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने गुरुवार 25 अगस्त को उड़ी सेक्टर के कमलकोट इलाके में मदिया नानक चौकी के पास भारत में घुसने का प्रयास किया, जिसके बाद भारतीय जवानों के द्वारा उन तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया। उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना ने शुक्रवार को भाजपा पर प्रवर्तन निदेशालय का इस्तेमाल कर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि यह दिखता है कि ऑपरेशन कमल लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक है। जांच एजेंसियों के छापे और बदले की राजनीति भाजपा के सबसे बड़े हथियार है। भारत से 3 गुना बड़े अमेरिका में 68.03 लाख किलोमीटर लंबी सड़क है और हम 2018-19 के रिकॉर्ड के मुताबिक 63.31 लाख किलोमीटर सड़क बना चुके थे। दूसरी तरफ इन 75 वर्षों में देश का आबादी करीब 4 गुना हुई तो भारत ने बिजली उत्पादन क्षमता 317 गुना कर ली। 7 दशक पहले भारतीय बंदरगाहों की कार्गो हैंडलिंग क्षमता महज 2 करोड़ टन थी, आज यह 256 करोड़ टन सालाना तक पहुँच गई है। पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राहकों से KYC अपडेट करने की अपील की है। बैंक ने ट्विटर कर कहा है कि सभी ग्राहक 31 अगस्त 2022 तक KYC करा ले। पिछले कई महीनों से बैंक अपने ग्राहकों से KYC अपडेट करने की अपील कर रहा है। KYC कराने से ग्राहकों का बैंक खाता एक्टिव रहेगा, वरना ग्राहक फंड ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पसंदीदा नेता बन गए हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बेनेस जैसे नेताओं को पछाड़ते यह उपलब्धि हासिल की है। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस द्वारा जारी वैश्विक अनुमोदन रेटिंग के अनुसार पीएम मोदी को 75% लोगों ने पसंद किया है। यह रिपोर्ट 17 से 23 अगस्त 2022 तक इकट्ठे किए गए डेटा पर आधारित है।
अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के बाद अब भारत ने भी लेखक सलमान रुश्दी पर हुए हमले की निंदा की। इस मसले पर अपनी पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया में भारत ने कहा कि हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। भारत हमेशा हिंसा और उग्रवाद के खिलाफ खड़ा रहा है। कांग्रेस के एक और नेता गुलाम नबी आजाद ने शुक्रवार को पार्टी को अलविदा कह दिया। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देते हुए राहुल गांधी पर कई आरोप लगाए हैं। वहीं आजाद पर कांग्रेस को तोड़ने का आरोप लगाने वाले कुलदीप बिश्नोई अब उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस आत्मविनाश आत्मघाती मोड में है। मेरा सुझाव है कि राहुल गांधी अपने अहंकार को अलग रखे। गुलाम नबी आजाद का भाजपा में स्वागत है। पार्टी मुझसे पूछे तो मैं उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए मना सकता हूँ। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने भी हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नन्नू कुमार, मनीष कुमार, सवाद, निशा, बांसुकी, पंजियाड़ा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, देश को आगे बढ़ाने में किस प्रधानमंत्री का ज्यादा योगदान रहा है? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।